हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ में ना ही मटन कोरमा, ना ही मटन करी, ना ही मटन का सालन, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मटन बनाने की एकदम नई और अनोखी रेसिपी। तो वीडियो पूरा फुल से वॉच कीजिए और मेरे रिक्वेस्ट है, ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हमने 750 ग्राम मटन लिया है, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। डायरेक्ट गैस पर कुकर रखेंगे, इसमें धुला हुआ मटन डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें जो है तो ऑयल डालेंगे, नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब इसमें जो है तो हमें हल्दी पाउडर भी डालना है, तो इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, सिर्फ 1 पिंच डालना है, या फिर जो हमारे नाश्ते वाली चम्मच है तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। आधा गिलास इसमें जो है तो हम पानी डाल देंगे, ताकि हमारा मटन को जब हम ढक्कन लगाए और बॉईल करें तो मटन जले ना, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो हमने मटन में बिल्कुल भी हड्डियाँ इस्तेमाल नहीं किए, बिल्कुल बोनलेस मटन इस्तेमाल किया, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ढक्कन ढक देंगे और इसे बॉईल होने के लिए 20 से 25 मिनट रख देंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके थे, हमारा मटन अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका था। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और जब तक ये मटन का पानी सूखे ना, जब तक हम इसे पका लेंगे। देखिए इस तरीके का जो पानी रह जाता है हमें, तो ये पानी पूरा हमें सुखा कर पूरा एकदम सूखा सूखा कर लेना। देखिए ये एकदम पानी सूखा सूखा हो गया है। अभी सारे मटन को जो है तो कुकर के साइडों पे हम कर लेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा नीचे से लग भी चुका है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा ध्यान नहीं था तो थोड़ा सा ही नीचे से लगा। अब इस तरीके की कोई कटोरी या कप रखेंगे, इसमें जलता हुआ कोयला डालेंगे, कोयले को हमने अच्छे तरीके से जलाया, इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे या ऑयल डालेंगे और इसकी जो है तो स्मोक हम दे देंगे। ऊपर से जो है ये ढक्कन इसका ढक देंगे कुकर का, इसमें बहुत ही अच्छा एक स्मोक की फ्लेवर आ जाए। अब इसे साइड में रख देंगे। अब इसका एक मसाला बनाएंगे, उसके लिए हमने 3 से 4 अनियन को ब्राउन करके रखा है, उसे मिक्सी के जार में ले लेंगे। 1 टेबल स्पून जो है तो भुना हुआ चने की दाल लेंगे, 1 टेबल स्पून जो है तो ज़ीरा लेंगे, 10 काजू लेंगे, 5 बादाम लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे लगभग 2 से 3 टेबल स्पून, और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके का फाइन पेस्ट हमने बनाकर रेडी कर लेना है। अब इसे साइड में रख देंगे। गैस हम करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे 100 से 150 ग्राम, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। 1 टीस्पून जो है तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसे हल्का सौते करेंगे ताकि इसका जो अभी कच्चापन है ना वो सारा निकल जाए। अब इसमें जो है तो 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो का हमने पेस्ट बनाकर रखा है, और टोमेटो प्योरी बनाकर इसमें हम डाल देंगे। कट करके डालेंगे तो वो जायका नहीं आएगा, लेकिन टोमेटो प्योरी अगर हम डालेंगे तो बढ़िया जायका आएगा। अब इसमें जो हमने मसाला पीस करके रखा है वो भी हम डाल देंगे। अब इस मसाले को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, टोमेटो को और जो है तो लहसुन को ही हमने अच्छे से भून लेना है, और फिर ये मसाला डालना, क्योंकि हमने ये इसमें सारा मसाला भुने हुआ डाला, यानी ब्राउन राइस जो है तो अनियन करके डाली है ना। इसमें 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे 1 पिंच जितना, ताकि इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। और भुना हुआ जीरा पाउडर और भी हमें यूज़ करना, मैं आगे बताती हूँ कब करना है। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से हमने भून कर रेडी करना है। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी। धनिया पत्ता डालेंगे थोड़ा सा कट किया हुआ। अब इसमें जो मिक्सी के जार में लगा हुआ मसाला था, उसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून वाटर डाल के डालेंगे, और इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे, ताकि इसके अंदर का सारा ऑयल रिलीज हो जाए और इसका जो भी मसाले का कच्चापन है वो निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है तो हमने गरम गरम कोयले की जो है तो स्मोक इसे दे दिया। अब ये निकाल लेंगे, अब हमारा जो मटन भी है स्मोकी फ्लेवर आ रहा है रेडी। अब इसमें ये हम डाल देंगे। एकदम डिफरेंट तरीके से हमने ये मटन बनाया है, इसका टेस्ट बहुत ही औसम आता है। एक बार ज़रूर मेरे कहने पर इस मटन की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद है तो वही मेरी बात लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको रस्से वाला मटन चाहिए तो अब इसे थोड़ी देर हमें पकने देना है, फिर इसमें पानी डाल के पका लेना है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जो है तो कस्तूरी मेथी, फिर से जो है तो भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे ऊपर से, तो हमने रेडीमेड वाला भुना हुआ जीरा पाउडर यूज़ किया था। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको सूखा सूखा मसाले वाला चाहिए तो आप इसी तरीके से रहने दें, और 10 से 15 मिनट जो है तो स्लो फ्लेम पर ढक्कन ढक कर इसे पकने दें। और अगर आपको रस वाला चाहिए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पकने दें। तो हमें भुना भुना चाहिए था, देखिए कितना अच्छी तरीके से इसमें जो है तो ऑयल रिलीज़ हो चुका था, और ये थोड़ा थोड़ा मटन जो है तो हमारे कढ़ाई को लगने लगा था। तो मतलब कि एकदम एग्जैक्ट पककर हमारा मटन रेडी हो चुका है खाने के लिए। रोटी के साथ में, पराठों के साथ में, नान के साथ में आप इस मटन को आसानी से इंजॉय कर सकते हो। अगर आपके पास कोई गेस्ट आए तो आपके मेन्यू में ये मटन भी आप बना सकते हो। अब एक सर्विंग डिश लेंगे, इसमें सर्व करेंगे, क्योंकि हमारा मटन परफेक्टली बनकर जो है तो रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें कोई चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऊपर से अगर धनिया पत्ता से भी आप सर्व कर देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा खाने में। तो देखिए यहाँ पर हमारा मटन रेडी है। रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।